बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जुमा खान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 में झारखंड में और 2025 में बिहार में विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार चुनाव में जाते हैं और जीत उन्हें जनता दिलाती है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार चुनाव की चिंता नहीं करते, विकास की चिंता करते हैं। नीतीश कुमार काम के नाम पर देश में जाने जाते हैं, विपक्ष सिर्फ अपने वोट के लिए राजनीति करता है, गरीबों की बात करता है। जमा खान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए सदन में चर्चा हो रही थी, वहां पर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव बिहार को 2005 से पहले वाला बिहार बनाना चाहते हैं। एक ही स्टैंड होता है विकास विकास विकास। जदयू का एक ही स्टैंड है काम, जदयू का एक ही स्टैंड है बिहार के अंदर सौहार्द भाईचारा बना रहे हो, विकास हो, जदयू का यही स्टैंड है। आगे तरह चुनाव की बात जो आप कह रहे हैं, चुनाव की बात हम नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। और हम लोग 24 घंटा काम करने वाले हैं, जो 3-4 घंटा समय इसमें माइनस कर लीजिए उतना ही हम आराम करते हैं। जदयू का जो भी कार्यकर्ता है नेता कुमारी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, काम पर विश्वास हमें है और हम लोग काम करने वाले हैं, काम के नाम से देश के अंदर जाने जाते हैं। निर्देशन होगा तो हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे और देश के लोग प्यार करते हैं नीतीश कुमार जी से, उनके कार्यों को देखकर, उनके मोहब्बत को देखकर, उनके नाम को देखकर, उनकी शादी को देखकर। और सबसे बड़ी बात है देश के अंदर ऐसे नेता हैं कि परिवारवाद नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, धर्मवाद नहीं करते हैं और संवैधानिक मुताबिक बिहार को चलाए हैं, चलाते रहे और देश को चलाना चाहते हैं। को प्राप्त हुई थी एक व्यक्ति जिसके पास काफी मात्रा में ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला पदार्थ मौजूद होने की आशंका है, उसके बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाई और जब उस टीम ने छापामारी किया तो वहां पे वह व्यक्ति और उसके पास से लगभग 170 कुड़िया जो है ब्राउन शुगर जैसा दिखने वाला एक पदार्थ हम लोगों ने जब्त किया। उसकी प्रॉपर विधिवत जब्ती बना करके हम लोगों ने उस व्यक्ति को उसके पास से लिया और उसके पश्चात जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ किया गया तो उसने कुछ लोगों का नाम इसमें और भी लिया है। तो अब हम लोग उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम कर रहे हैं